वामा साहित्य मंच और घमासान.com द्वारा आयोजित दो दिनी अखिल भारतीय महिला समागम में बोलते हुए प्रसिद्ध लेखिका गीता श्री ने कहा कि आज महिला लेखिकाएं अपने लेखन में स्त्री की पीड़ा और उसके जख्मों को बेबाकी से व्यक्त कर रही हैं और वे पूरी जिम्मेदारी के साथ सताई गई स्त्री के अंतर्मन की मार्मिकता को रच रही हैं। साहित्य में उसका यह मनोरंजन खुलापन मनोरंजन की नीयत से नहीं आ रहा है। साहित्य में उसके इस बेबाकीपन और खुलेपन को अश्लीलता मत मानिए। इसके जरिए तो वह सदियों से पुरुषों के खिलाफ अपना साहसिक प्रतिरोध बयान कर रही है। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम जाल सभागृह में आयोजित किया जा रहा है। दो दिवसीय इस साहित्यिक समागम में साहित्य में आधुनिकता की परिभाषा परिपक्वता या खुलापन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में एक रचनाकार अपने समय की पीड़ा संतरास और अनुभव को संवेदनशीलता के साथ रचता है। हकीकत यह है कि स्त्री पर इतने जुल्म हो रहे हैं कि वे साहित्य में बहुत कम अभिव्यक्त हो पा रहे हैं। यह जरूरी है कि स्त्री पर होने वाले अत्याचारों पर बेबाकी और खुलेपन के साथ लिखा जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह नहीं हो पा रहा है। जाहिर है कि इसके लिए महिला लेखिकाओं पर पारिवारिक और सामाजिक दबावों का भी हाथ रहता है और इनका मुकाबला साहस के साथ करना होगा। हमारा समाज पाखंड में जी रहा, इससे उसे मुक्त होना होगा। इसमें अलवर से आई कुमकुम कपूर, मीनाक्षी जोशी और नीलिमा टिक्कू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इधर लेखिका उषा किरण खान ने कहा कि प्राचीन समय में स्त्री का वर्चस्व था, लेकिन अब समय के साथ इसमें बदलाव आ गया है। आज उसे अपना मान सम्मान पाने के लिए खड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। फेसबुक पर लिखकर और 200-400 लाइक पाकर नई लेखिका समझती हैं वे बहुत अच्छा लिख रही हैं, यह अनुचित है, ऐसा नहीं है। इधर लघु कथाओं में नारी पात्र के सकारात्मक तेवर पर पटना से आई साहित्यकार मिथिलेश दीक्षित ने कहा कि बहुत बोझिल और उबाऊ पर्चा जब पढ़ा गया तो लता अग्रवाल ने लघु कथाओं के उदाहरण देकर बताया कि कैसे इसमें रचनात्मक तेवर सामने आ रहे हैं। अनाथा जोगलेकर ने भी संबोधित किया, संचालन वसुधा गाडगिल ने किया और लेखिकाओं ने लघु कथाओं का पाठ किया। इसके साथ ही बदलते प्रतिमान सत्र में रति सक्सेना, शोभना श्याम मित्तल और शशि पुरवाल ने भी शिरकत की। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।